नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश पारा मोहल्ला चुनावी हल्ला। इस कार्यक्रम के तहत रायपुर के 70 वार्डों का हाल जानने हम निकले हैं और 5 साल में हैं उन वार्डों में कितना विकास हुआ उसकी हकीकत जानने की हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। और आज हम वार्ड क्रमांक 22 पंडित ईश्वरीन चरण शुक्ल वार्ड का हाल जानेंगे और वहां पर जो वर्तमान पार्षद हैं उनके कामकाज की समीक्षा वहां पर की जाएगी। आम लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार 5 साल में उन्होंने अपने वार्ड में कितना काम किया। पांच साल में हुई कुछ काम है? कुछ नहीं हुई से, सड़क बस बनी से, कुछ नहीं हुई से, कुछ बना के नहीं दे। कोई भी जीते तो कोई ना नहीं बना के नहीं दी से। जब नल लगे 5 साल के बाद में तो एक गिलास पानी नहीं पीन। ये सुलूक के लिए जगह जगह भटके थे, लोग लेकर हमन भटके थे, जा जा के गली खोर में सब बाहर बाहर करा थे। अगर समस्या कुछ निकाल के बना के दो हम लोग को। सिर्फ सड़क बनी, बाकी कुछ नहीं बनी से। राशन कार्ड बना है, पहले से बने राशन कार्ड भैया, चावल खावा थे, नौकर बात नहीं है। फिर हमारे मोहल्ले में कोई सरपंच बनते, कोई बनते तो कोई झाके पर नहीं आवे, कोई देखे पर नहीं आए हमारे मोहल्ले में। हाँ, जब जाबे ना परेशानी हमें जाबे के जाए तो बादला बना के टार देते। व्यवहार कैसे है पार्षद? व्यवहार अच्छा नहीं हम लोग से। व्यवहार कहाँ अच्छा है, बाहर अच्छा रहता तो तब तो गली में आके घुस के कोई बताना चाहता, कोई तो नहीं बता रहा है। सब साफ सफाई होता? साफ सफाई नहीं होता इधर, गली में कोई आते ही नहीं है। इधर गली हो जो आते हैं झाड़ू लगाने वाले वहीं तक बस जाते हैं, फिर यहाँ तक भी नहीं आते। खुद को लेकर पार्षद के पास जाते हैं क्या बोलते? आते ही नहीं, पार्षद लोग घर में रहते नहीं है तो कहाँ से करेंगे। पार्षद तो डेली आता है भैया, सुलभ चाहिए, मंदिर चाहिए। कितना साल हो गए मंदिर मंदिर बस सुलभ बस बना दो और मेन ना हो भवन, बस दो ठो बना दिए फिर हो गया। 5 साल में ध्यान नहीं दी इस वार्ड कहाँ दे है, ये तो रोड बने है और नाला है बस, एक केस तो कहीं तो नहीं आए। हाँ, वही तो कहते होंगे एक ठन मंदिर बना दे, स्लूप बना दे। राशन कार्ड बने? राशन कार्ड है, चावल मिलते भैया, 5 साल हो गए चावल खाते ना, अच्छा खाते। हाँ, ये वार्ड की महिलाएं हैं पंडित ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड की और लगातार यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो निकल कर सामने आ रही। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है साफ सफाई और जो अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं वो हैं। सिर्फ यहाँ पर सड़क का काम हुआ जैसे महिलाओं ने बताया, इसके अलावा कुछ और लोग हैं उनसे बात जानते हैं। 5 साल कैसा रहा उनका कार्यकाल? 5 साल में तो मैं 5 बार अपनी गली में नहीं देखा हूँ सर पार्षद मोदिया को, और इनका कार्यकाल मेरे को समझ ही नहीं आता सर। पार्षद बनी है कार्यालय में आधा पता नहीं रहता कुछ इनका। क्या और मुद्दे होंगे इस चुनाव? सर हमारा समस्या सिर्फ नाली पानी बिजली ये नहीं, पार्षद का ये दायित्व होता है कि वो जो भी योजना आती है जैसे वार्ड पे वो पूरी योजना आपको वार्ड में धरातल तक में नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, नहीं पहुंच पाती है सर ये। अच्छा। जी, जो समस्या लेकर अगर कोई जाता है उनके पास उनका रवैया कैसा रहता है? मैं तो उनको कार्यालय में बहुत कम देखता हूँ सर, बहुत कम मिलते हैं कार्यालय पे। मतलब निष्क्रिय एक तौर पर कहा जाए, निष्क्रिय निष्क्रिय है सर, सक्रिय तो बिल्कुल नहीं है। उनका कार्य मतलब वो पार्षद बनी जरूर है लेकिन उनका कार्य कोई और संभालता है, तो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आता सर। कैसा आप देखते हैं कार्यकाल उनका? मैं उनके कार्यकाल के क्या गणना करूं, सबसे पहले हमारे जो पार्षद थी पूर्व या अभी वर्तमान जो पार्षद हैं उनके कार्यकाल तो शून्य है, यानी निष्क्रियता है। आज तक हमारे वार्ड के लोग उनको देखे भी नहीं होंगे कि हमारा पार्षद है और न कोई जानता उनको। वो एक पार्षद रबर स्टाम्प थी, कांग्रेस पार्टी की थी, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई भी पार्टी से अपन इंजॉय नहीं करते। लेकिन हमारा सिद्धांत रहता है कि मोहल्ले का वार्ड पार्षद होकर एक जागरूक पार्षद होना चाहिए। उस काबिल वो थी नहीं, वो एक रबर स्टाम्प बन के रह गई। और जितना भी शासन की योजनाएँ हैं जो धरातल में नहीं पहुँच पाती, लोगों की जानकारी कहाँ से होगी पार्षद के यहाँ से? तो पार्षद ही अगर अशिक्षित हैं, शिक्षा नहीं है, उनकी जानकारी खुद नहीं है, तो लोगों में उनका क्या प्रक्रिया होगी तो आप सभी अवगत होंगे उसके लिए। और हमारे पास तो आज तक देखने तक नहीं आए कि हमारी समस्या क्या है। हम लोग बहुत मांग किए सुलभियाँ बना दें, घर घर जो अभी शौचालय बन रहा था उसमें भी कुछ, एक हमारे एल्डरमैन थे वार्ड का, बहुत महिलाओं को गरीबों से पैसा भी खा के बैठे हैं, उनकी निष्क्रियता तो और हद से ज़्यादा है। और विशेष लोगों की बात में एक बड़ी बात ही निकल कर सामने आई है कि
जो शासन की योजनाएं हैं वो वार्ड में धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है, मतलब शासन की योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। कुछ और महिलाएं उनसे बात करते हैं, कैसे हैं पार्षद के कार्यकाल, कुछ काम हुए हैं अपन के वार्ड? अभी तक से तो इधर तो आते ही नहीं है ज़्यादा करके, कहाँ आते ज़्यादा करके, लेने के समय वोटिंग समय ऐसा बात बोलेंगे, बहुत अच्छा बात बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं जब काम उनका निकल जाता है फिर ध्यान नहीं देते हैं, पहले शुरू में आ जाएंगे उसके बाद तो आते ही नहीं है। कहाँ का भी समस्या है वार्ड में सबसे बड़े? सबसे बड़े समस्या है सुलभ का, सबसे बड़ा समस्या है, मतलब सुलभ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। साफ सफाई बराबर होते हैं यहाँ? नहीं, साफ सफाई नहीं हो, नहीं हो, नहीं, जो कर्मचारी हुमन नहीं आए हैं, आते लेकिन कोई टाइम टेबल नहीं रहे कर्मन के। अच्छा, कभी कचरा उठते तो नहीं उठे? हाँ हाँ। बाकी पानी बराबर आवत है? पानी तो अभी थोड़ा फेर हाल, काकरो यहाँ आते काकरो यहाँ नहीं आते, ऐसे टाइप के है। ये बिजली बिजली पर्याप्त आते हैं? हाँ, बिजली तो पर्याप्त है सब करे, लेकिन वो पानी काकरो यहाँ आते काकरो यहाँ नहीं आते, ऐसे है पानी। तो पानी, सड़क, ये तमाम जो समस्याएं हैं वो यहाँ से निकल कर सामने आ रही है। और यहाँ जो परिस्थिति की बात की जाए तो ये वर्तमान जो पार्षद हैं वो अश्विनी ध्रुव हैं और महिला पार्षद हैं। महिला पार्षद, महिलाओं का ये कहना है कि महिला पार्षद वो हैं लेकिन महिलाओं से वो मिलने तक नहीं आती, वार्ड भ्रमण वो करने नहीं आती और तमाम जो समस्याएं हैं वो निकल कर सामने आ रही है। सड़क निर्माण यहाँ पर हुआ है लेकिन इसके अलावा जो अन्य मूलभूत सुविधाएँ हैं उसको लेकर काम नहीं हुआ। यहाँ के जो निर्दलीय उम्मीदवार अभी हैं उनसे बातचीत करेंगे, वो भी इसी इलाके से हैं। कैसा कामकाज यहाँ पर हुआ है 5 साल में और आपकी क्या सोच है? कामकाज के तौर पे क्या है भैया, एक मैं लाइन बोल के स्टार्ट करता हूँ कि उसूलों पे जहाँ बात आए टकराना ज़रूरी है, जो हो अगर जिंदा तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो ऐसा है कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है, चाहे एक्चुअल में 5 साल नहीं बोला जा सकता, उसको 15 साल बोलिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी ने सिर्फ यहाँ पर आके मत हासिल किया है लोगों का और उसके बाद 5-5 साल तक सब नदारद रहे हैं यहाँ से, लोगों की समस्याओं से कभी कोई जनप्रतिनिधि रूबरू नहीं हुआ। इतने सारे समस्याएं हैं वार्ड में, चाहे सफाई की हो, नाली की हो, बिजली की हो, सड़क की हो, पानी की हो, पूरा वार्ड में समस्याओं का अंबार भरा हुआ है। और यही कारण है कि इन सारी समस्याओं को देखते हुए, और क्योंकि मैं इस वार्ड का नागरिक हूँ और यहाँ हमेशा मेरा आना जाना रहता है, मेरा घर है ये, तो मैं इस समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ, ज़्यादा अच्छे से फील कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैं इस बार इस चुनाव में उतर रहा हूँ ताकि अपने लोगों के लिए, अपने वार्ड के लिए विकास कर सकूँ और जितनी भी सुविधाएँ हैं जो सरकार से प्राप्त होती हैं उनको जन तक, जन जन तक पहुँचा सकूँ। तो 5 साल में इस वार्ड के पार्षद ने इस वार्ड की तस्वीर बदलने की कोशिश यहाँ पर नहीं की, सिर्फ पर सड़क निर्माण यहाँ पर हुआ है, इसके अलावा अन्य जो काम होते हैं पानी बिजली, इसके अलावा साफ सफाई, ये तमाम चीज़ों, अब जो समस्याएं हैं वो अभी जस के तस बनी हुई हैं। और 5 साल नहीं, पिछले भी यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के लगातार पार्षद जीतते आ रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ काम नहीं किया ऐसा लोगों का कहना है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है सुलभ, इस इलाके में एक भी सुलभ शौचालय नहीं है और इसके कारण खुले में शौच यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है। तो ये तमाम समस्याएं यहाँ निकल कर सामने आ रही है। और अगर वर्तमान पार्षद के कामकाज की बात की जाए तो कामकाज से यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो वार्डवासी हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा उनकी निष्क्रियता को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाया गया है। कैमरामैन रेखराम के साथ हिमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। स्वराज एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है भगवती चरण शुक्ल वार्ड, यहाँ पर वर्तमान जादू मणि सिदार यहाँ से पार्षद हैं, कांग्रेस को पार्षद हैं। 5 साल में कितना विकास यहाँ पर हुआ है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं पानी बिजली सड़क उसको लेकर उन्होंने कितना काम किया, इसके अलावा जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं उसको दूर करने का कितना प्रयास किया, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, उनसे ये भी जानेंगे कि जो पार्षद का व्यवहार है वो यहाँ पर कैसा है। तो कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। भैया आप बताइए कैसा है 5 साल का कार्यकाल? 5 साल उसे तो बेचारा निकाल दिया भैया, अच्छे निभाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे जात भाई, हमारे भाई बिरादी है, वो जो भी कार्यकर्ता जो भी काम किया पार्षद, पार्षद हमारी एक नंबर काम किया, बढ़िया। जीतू भारती जी,
ऐसी कोई बात नहीं, हम उसकी प्रति कुछ नहीं बोलेंगे ऐसे। मैं ये बात तो पूरा प्रमोद भाई को बता चुका हूँ, आज जहाँ बैठे थे वो सब दिखा चुका हूँ, समझे। क्या बड़े काम हुए हैं 5 साल में, क्या क्या यहाँ पर पहले परेशानी थी जिसको दूर उन्होंने किया? नाली रिपेयरिंग के भाई है ना, नाली का समस्या है, लेकिन पानी भी आ रहा बढ़िया फर्स्ट क्लास, सुलभ भी अच्छा चमक रहा है बढ़िया। प्रमोद जी आए थे उद्घाटन करने के लिए, अच्छा है, दो दो सुलभ है आजू बाजू में। व्यवहार कैसा है पार्षद का? पार्षद की व्यवहार ठीक है, खराब नहीं भाई, अच्छे है, घरौली आदमी, परिवार टाइप का है, अच्छा आदमी बेचारा, जो भी निभा दिया निभा दिया, 5 साल में जितना करना था कर दियो। आप बताइए कि हुआ है 5 साल, कैसे देखते हैं पार्षद का काम? 5 साल तो बहुत ही अच्छा रहा है और अच्छा काम किए हैं, ऐसा कोई गलत नहीं किए हैं। साफ सफाई भी होता है, लेकिन साफ सफाई तो होता है, अच्छा होता है, लेकिन हम लोग भी क्या गंदगी कर देते हैं, क्योंकि गलती हमारा भी रहता है। लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी हो, अपना जिम्मेदारी को समझना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और इसके अलावा जो बड़े काम होते हैं मूलभूत सुविधा के अलावा, जो मनोरंजन के साधन होते हैं, सुलभ, ये तमाम जो सामुदायिक भवन, उसको यहाँ पर काम पूरा हुआ है उसको? हाँ, वो भी काम पूरा अच्छा हुआ है, और साफ सफाई भी होता है, डेली होता है साफ सफाई, इसमें कोई शक नहीं है। ये बताइए भैया, 5 साल पहले जो पार्षद यहाँ पर चुनाव जीते हैं, और किसी भी पार्षद का दायित्व रहता है कि वो वार्डों की समस्याओं को दूर करें, वहाँ पर जाके लोगों से मिले, तो 5 साल में एक्टिविटी उनकी कैसी रही है पार्षद की? हाँ, वो तो बीच बीच में आते रहते हैं, सबसे हाल चाल पूछते रहते हैं, और सरकार द्वारा जो भी नियम लागू होता है, घर घर आके फॉर्म देते हैं, फॉर्म भरते हैं, उनको उनका लाभ दिलाते हैं। मतलब जो शासन की योजनाएं हैं उसको लेकर वहाँ पर ध्यान देते हैं, डोर टू डोर। शिक्षा एक बड़ी समस्या होती है, उसको लेकर कुछ हुआ? हाँ, शिक्षा के लिए थोड़ा सा अभी उतना ध्यान नहीं दे पाए वो लोग, बच्चे 8वीं क्लास तक पढ़ पाते हैं, उसके आगे नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ खासकर शिक्षा, खेल कूद और वृद्ध लोगों के लिए बैठक वैठक के लिए जगह, छोटा मोटा गार्डन, साफ सफाई, थोड़ा और ध्यान देंगे तो बस्ती में थोड़ा सा उन्नति और दिखेगा। जो लोगों से बात करते हैं, आप बताइए। हाँ, आपको दिखाता हूँ, हमारे यहाँ जो पार्षद है, हमारे यहाँ जो पार्षद है, यहाँ जो पानी भरते हैं, पीने का पानी भरते हैं पूरे मोहल्ले में, तो वहाँ जहाँ पानी का, पीने का पानी भरा जाता है, वहाँ गंदगी फैला कर रखे। आप चलिए, हम दिखाते हैं आपको। साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है, साफ सफाई बड़ा मुद्दा है, जहाँ पीने का पानी भरा जाता है वहाँ गंदगी फैला कर रखे। आपको चलो मैं दिखाता हूँ, आप कचरा मतलब यहाँ से नहीं उठता है। नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको, आप भी देख लीजिए, जहाँ पीने का पानी भरते हैं। हम देखेंगे, अभी जाएंगे आपके साथ, लेकिन साफ सफाई नहीं हो रही है। साफ सफाई हो रहा है, लेकिन जहाँ पीने का पानी भरा जाता है ना, वहाँ गंदगी फैलाते हैं। उठा नहीं रहे हैं क्या, कौन फैला रहे हैं? पता नहीं, देखो नगर निगम वाले हो सकते हैं, हमारे पार्षद भाई बोलते हैं। आप बताइए भैया, क्या समस्या है वार्ड में अभी? भैया शिक्षा का समस्या और कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या यहाँ पे काम को पानी को भरने के जगह में पूरा कचरा भरा। बच्चे यहाँ पे जैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो इनको ट्यूशन की जैसे बोलते हैं कि काम काज करने वाले हैं, तो वो इतना पर्याप्त ट्यूशन दे नहीं पाते हैं जो बड़े लोग दे पाते हैं। तो यहाँ पे सोचता हूँ कि भैया कि अगर एक ट्यूशन खुल जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए शाम के समय। तो 5 साल कैसा रहा है इनका काम काज, पार्षद का जो वर्तमान आपके हैं? हो रहा है काम, हो रहा है, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, नाली की सफाई वफाई होती है, ठीक है। इसमें जो उनके वर्कर हैं वो तो कर्मचारी को भेजते हैं कि भाई वहाँ जा करो, वर्कर काम सही करके नहीं जा रहे हैं, ठीक है। उनको जैसा बोलते हैं कि भैया ये सफाई है, इसको जैसे करना है, तो वो क्या बोलते हैं, इसको भैया आके करेंगे, तो आके कब करेंगे, जहाँ अगर अनुमन नहीं हो पा रहा। हाँ, तो जैसे क्या बोलते हैं, पीने का पानी है वहाँ पे, अपन पीने का पानी भरते, आदमी क्या सोचता है कि मैं कचरा उठाऊँ तो यहाँ से दूसरी जगह लगाऊँ, है ना, क्योंकि ये पीने का पानी है। अब कचरा वहीं पे पड़ा हुआ है, तो पीने का आदमी पानी कहाँ से पड़ेगा। चलिए ना, आप ये भगवती चरण शुक्ल वार्ड के लोगों की राय है, और ज़्यादातर लोगों की बात में निकल कर सामने आ रहा है कि जो साफ सफाई है वो यहाँ पर नियमित तौर पर नहीं होता, हालांकि जो पार्षद का कामकाज है यहाँ पर बेहतर लोग मान रहे हैं। हालांकि ये जो भगवती चरण शुक्ल वार्ड का निचला इलाका है, और यहाँ पर जो साफ सफाई एक मुद्दा है, यहाँ पर जो नालियाँ हैं वो यहाँ पर बजबजाती नजर आ रही है, बराबर सफाई नहीं होती। इसके अलावा जहाँ पर पानी भरने की व्यवस्था है वहाँ पर जो कचरों का जाम है वो ज़्यादा हो जा रहा है। कितना काम करे पार्षद 5 साल में? 5 साल में तो अभी तो कुछ है, कुछ तो अभी किए नहीं है, बस नल एक पहले लगा दिए थे 6-7 साल पहले। ये देखो नाली कचरा निकालते हैं, पड़ा रहता है महीना महीना भर, है ना। कल परसों रात को निकाले हैं, और तो अभी तक देखो पड़ा हुआ है,
पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। घूमने आते हैं दौरा नहीं आते हैं, आएंगे नहीं आते, जैसे अभी ये सब चल रहा है ना राजनी, ये सब के समय अभी आ रहे हैं, चुनाव के समय आ रहा है। आते हैं चुनाव के समय, सुबह शाम आते हैं और फिर बाद में उसके बाद आते नहीं है, नाली को साफ करते नहीं है, अगर करेंगे भी तो ऐसी कचरा 10 दिन महीना भर पड़ा रहता, वही कचरा फिर नाली में चला जाता, ये कोने में कचरा रहता है, आधा झाड़ू लगाती है। पार्षद चाहिए, अभी चुनाव आ रहा है, हमको ऐसे पार्षद चाहिए कि हमारा बस्ती साफ रहे, हमको पानी 2 टाइम मिले और लाइट रहे। साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है। हाँ बस सबसे बड़ी बात, ऐसे तो हम मेहनत करके खा रही छे, बस हमको ये चाहिए कि हमारे आंगन में रोज झाड़ू लगे और नाली हफ्ते में एक बार साफ हो। हाँ, और कचरा जब भी मतलब जब नाली साफ करते हैं ना तब उठा जाए, और उसको सब नहीं रखना चाहिए। अभी देखो परसों नाली साफ किए हैं, कचरा रख दिए, वहाँ से पूरा गंदगी आ रहा है ना, इसलिए हमको ऐसे पार्षद चाहिए ताकि हमारे मुसीबत में काम आए, जैसे हम कुछ हमारा परेशानी है तो हम वो परेशानी हमारा हल करे और हमको नाली हफ्ते में एक बार साफ कर दे, भले पानी 2 टाइम नहीं आए लेकिन एक टाइम भी पानी जरूर रोज चाहिए। पानी की समस्या, आधा घंटा आता है बस आधा घंटा आता, जितना भरे भरे नहीं तो नहीं भरे। जिस तरीके से सभी वार्डों में समस्या निकल कर आ रही है सफाई की, वो यहाँ पर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। हालांकि ज़्यादातर लोगों का यह कहना है कि साफ सफाई लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपना जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करें, तो ये भगवती चरण शुक्ल वार्ड के लोगों की राय थी। अब अगले वार्ड में जानने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर जाकर देखेंगे कि वर्तमान पार्षद ने कितना काम 5 साल में किया है। कैमरा मैन रेखराम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस रात। हम आ पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 16 वीर शिवाजी वार्ड। यहां पर हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं वार्ड के, और वर्तमान पार्षद यहां वंदना इंगडोले जो भाजपा से हैं, उन्होंने चुनाव यहां से जीता था। अभी 5 साल में कितना यहां पर विकास हुआ, इसके अलावा जो मूलभूत सुविधा है सड़क पानी बिजली उसके लेकर कितना काम हुआ है जानने की कोशिश यहां के लोगों से करेंगे। सीधा बात करते हैं, 5 साल कैसा कामकाज रहा है यहाँ के जो पार्षद रही हैं, आप भी लगातार यहाँ जागरूक तौर पर गार्डन वार्डन की भी मॉनिटरिंग करते हैं। 5 साल यहाँ तो बहुत ही बेकार रहा, अपने प्रयास पे जो कुछ हम लोगों ने किया लेकिन पार्षद से हमें कोई सहयोग नहीं मिला, यहाँ तक कि साफ़ सफाई नहीं होती मोहल्ले की। साफ़ सफाई करना है तो हमको निगम का आसरा देखना पड़ता है, निगम में जाके कंप्लेन करते हैं तो साफ़ सफाई होती है। पार्षद जब से हुई है तब से वो वार्ड में आना ही बंद कर दी है, ये कि कम से कम बीच में आके घूमना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, काम तो हो ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पार्षद ही हर काम कराए, कुछ काम हमारी भी जवाबदारी है, हमको भी करना पड़ता है, लेकिन कम से कम सहयोग तो देना चाहिए आके कि भाई पूछना चाहिए क्या हो रहा है, भाई क्या आप लोगों को तकलीफ क्या है, क्या सुविधाएँ चाहिए। इस मामले में 5 साल बिल्कुल बेकार गया। जो मूलभूत सुविधाएं होती है और एक पार्षद का दायित्व होना चाहिए, पानी बिजली सड़क, कम से कम ये चीज़ें उसको कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को समस्याओं से गुजरना ना पड़े, तो उसको लेकर उन्होंने दूर करने का प्रयास किया क्या, यहाँ पर लोगों की समस्याएं देखने आती हैं वो? सबसे वार्ड में तो सबसे ज़्यादा समस्या है साफ़ सफाई की, साफ़ सफाई नहीं होगा तो मच्छर पनप रहे हैं, बदबू आ रही है, गंदगी हो रही है, ये साफ़ सफाई तो 5 साल में बिल्कुल डूब गई है। सिर्फ ये देखते हैं शिवानंद नगर को देखते हैं, सन्यासी पारा संतोषी नगर बिल्कुल साफ़ है, महीने में एक दिन अगर यहाँ के अगर ठेकेदार को बोलते हैं हम लोग तब वो आता है, उसके पहले वो भी नहीं आता। क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में, क्योंकि इस चुनाव में मुद्दे हैं जो भी प्रत्याशी जीते कम से कम नाली, लोगों को और कोई सुविधा नहीं चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क की सफाई चाहिए, नाली की सफाई चाहिए, और बाकी काम तो करा ही लेते हैं, ना निगम का कोई काम रुकता है ना किसी का काम रुकता है। हम कोई भी पार्षद आए, हमारी यही मांग है कि कम से कम नाली साफ सफाई हो, सुंदर हो, जितना अच्छा से अच्छा वार्ड बन सके बनाने का प्रयास करें। आप बताइए पार्षद का व्यवहार कैसा रहा है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उनके पास समस्या लेकर जाता है रवैया कैसा रहता है उनका? अब उसके लिए तो साहब पार्षद की जो आव भाव वातावरण है वो पब्लिक में आए और पब्लिक के बीच बात करे, तब उसकी अच्छाई और खराबी और जो कुछ पता चलता है, मैं क्या मुझे कौन क्या जानेगा, पर इन आम पब्लिक पर आकर अपनी जो सहयोग और अपनी जो दक्षता और अपनी जो पावर, वो भी एक अधिकारी है वार्ड का, उस चीज़ को यहाँ आग बताए और करे, तभी उस चीज़ की सुधार और सहयोग तब जानकारी मिलती है।
ये वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के अलावा बहुत से काम पार्षद को करने होते हैं, चाहे मनोरंजन के साधन हो, क्योंकि बहुत जरूरी है किसी भी वार्ड के लिए, तो उसको लेकर और कुछ काम उन्होंने किया क्या कि यहाँ पर भवन बना दिया जाए, यहाँ पर आंगनबाड़ी भवन बना दिया जाए? ये सब चीज़ों की हम लोग पहले भी जानकारी दी है कि यहाँ ये चीज़ जरूरी है, जैसे कि यहाँ के लिए, वो वार्ड के लिए या सामुदायिक भवन के लिए कुछ बना, तो आए और कहे कुछ, हम लोग बीच में कुछ कहें, हम ही लोग कितने बार जा क्या बोलें, दरख्वास्त लेके भी गए तो दे दिए, तो उसकी प्रोसेस आगे बढ़ाए और करे कुछ करे, तब उस चीज़ की महत्व है। हमको याद नहीं कैसे ले कागज़ लेके फिरते रहें, और ना हो तो ऑलरेडी मायूस हो जाना पड़ता है। एक तरीके से देखा जाए तो जो वार्ड की जनता है उनके परिवार के ही लोग हैं। हाँ बस, हाँ मैं सियान हूँ, मैं घर का मुखिया हूँ, तो मुझे ज़्यादा जवाबदारी, ज़्यादा समझदारी और ज़्यादा उनसे प्रोसेस लेने की, समझाने की, बताने की, अपने आप में प्रक्रिया जाहिर करनी चाहिए, तभी कोई चीज़ का प्रगति होता है। अब बताइए, हर वार्ड से यही खामियां निकल कर आई, जो साफ़ सफाई का मुद्दा है वो हर वार्ड में वैसी है, नियमित तौर पर साफ़ सफाई नहीं होती। इसके अलावा जो पार्षद की रवैया है, हर वार्ड में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, तो कैसा कामकाज आप देखते हैं? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर हैं वार्ड में, तो उनका जब उन्होंने चुनाव जीता उसके बाद कुछ काम करना यहाँ शुरू किया क्या, 5 साल कैसे देखते हैं आप? वो तो नहीं बराबर रहा पार्षद जो है, यहाँ तक से यहाँ पे सामुदायिक भवन के लिए आवेदन भी दिए थे, वो भी नहीं हुआ पाया, प्लस ये नाली, नगर निगम का नाली पानी 24 घंटा बह रहा है, उसके लिए तालाब में डाल दो बोले, नाली पानी साफ पानी जो जा रहा है, गंदा पानी को गंदा नाली में डालो और साफ पानी जो नगर निगम से बह रहा है उसको ये तालाब में डाल देता तो ये तालाब का उद्धार भी हो जाता या लबालब भर रहता है, यहाँ का वाटर लेवल बना रहता, वो भी कार्य नहीं हुआ है अभी तक। साफ़ सफाई भी नियमित तौर पर नहीं हो रही है? साफ़ सफाई तो है ही नहीं है। कोई बड़े यहाँ पर भवन और बनाए हों गए हों मनोरंजन के, इसके अलावा जो शासन की योजनाएं हैं, क्योंकि पार्षद का दायित्व होता है, क्योंकि वहाँ उस वार्ड का अधिकारी होता है, तो शासन की योजनाओं को धरातल पर उन्होंने लाने की कोशिश की क्या, यहाँ पर यहाँ के लोगों को यहाँ पर मिले लाभ? नहीं आया अभी तक से, तो यहाँ पर नहीं आया कोई। निराश्रित पेंशन जो है, एक पेंशन अभी लाभ मिल रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो इस वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा निष्क्रियता का है, पार्षद की निष्क्रियता यहाँ पर सब जग जाहिर हो रही है, कुछ और लोग उनसे बात करते हैं, आप बताइए आप कैसे देखते हैं? पार्षद को जो जितना करना चाहिए था वो अपने जगह पर किया है, लेकिन हमारे यहाँ वीर शिवाजी वार्ड में मूलभूत समस्या जो है, एक तो ट्रैफिक का बहुत समस्या है, हम पैराडाइज होटल से लेकर गोंदवारा फाटक तक जाते हैं तो वहाँ का जो समस्या है, अपने को घर पहुँचने में आधा से 1 घंटा लग जा रहा है, जो आने वाला पार्षद है वो उनको प्राथमिकता दे, और यहाँ ड्रेनेज सिस्टम, कोई भी पार्षद आ रहा है उसका एक प्री प्लानिंग जो होना चाहिए, क्योंकि 3-4 वार्डों का पानी हमारे खंतरई वार्ड से हो गुजर रहा है, उसके लिए रेलवे के अंतर्गत पहले भी रेलवे में जो लाइन है उसके किनारे में बड़ा नाला बना के उनको व्यवस्था किया जाए, और बाज़ार व्यवस्थित ढंग से हो, अभी बाज़ार लग रहा है लेकिन वो व्यवस्था में नहीं है, उनके लिए आने वाले पार्षद का हमारा अपेक्षा है वो उसको ध्यान दे सके। पार्षद इन समस्याओं से अवगत आप लोगों ने कराया तो? नहीं, उनसे जो हो सका है वो किया है, वो जो जितना उनसे हुआ है वो किया है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पानी का एक मूलभूत बहुत बड़ा समस्या था जिसमें अमृत मिशन योजना के अंतर्गत काम चला है, लेकिन और कुछ पेंडिंग रह गया है, उसके लिए अपन ये जो रोड का जो ट्रैफिक जाम है और बाज़ार का है और नाली है, क्योंकि 3-3, 4-4 वार्डों का पानी यहाँ से आ रहा है, तो आप उनको व्यवस्थित करोगे तो पानी वहाँ से निकल जाएगा, बस ये है। यहाँ पर हम खड़े हैं, ये एक गार्डन है और यहाँ पर मेंटेनेंस यहीं के लोग करते हैं, यहाँ पर जो लोग आपको दिख रहे हैं ये हमारे साथ साहू जी भी हैं जो लगातार यहाँ मॉनिटरिंग वो करते हैं। हमने लगभग जगहों पर देखा है कि गार्डन बना के छोड़ दिया जाता है, ना पार्षद ध्यान देते हैं ना जोन कमिश्नर ध्यान देता है, आपने यहाँ पर मेंटेनेंस करने का कार्य शुरू किया है, गार्डन की रूपरेखा बदलने की कोशिश की है? सबसे पहले तो मैं जयंती भाई पटेल का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इस नेक काम में लगा दिया, मैंने आज तक एक पेड़ जीवन में नहीं लगाया था, लेकिन इस गार्डन में मैंने इतने पेड़ पौधे लगा दिए कि मेरी आत्मा आज सुखी है। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं अपने दिल को बदल दिया हूँ पूरा, कि आने वाली पीढ़ी कम से कम खुश रहें, हम रहें ना रहें, है ना, तो गार्डन को हम ये चाह रहे हैं कि इतना सुंदर गार्डन हो कि अपनी आजू बाजू की कॉलोनियाँ हैं वो आके देखें। आज संडे के रोज़ इतनी भीड़ रही होगी कि कम से कम 300-400 आदमी आए थे, इतनी भीड़ होते जा रही है, भीड़ बढ़ते जा रही है। मैं तो एक प्रेरणा ले लिया हूँ कि मैं जब तक हूँ
जीवित तब तक इस गार्डन को एक नंबर बना के छोड़ दूंगा। तो मॉनिटरिंग इसका नगर निगम नहीं कर पा रहा था? नगर निगम नहीं कर पा रहे, नगर निगम कोई भी गवर्नमेंट का योजना हो वो बनाने की योजना काम करते हैं, उसका रख रखाव का नहीं कर पाते। कोई भी कहीं भी देख लीजिए, इसको कभी न किसी ने किसी को एक को आगे आना पड़ेगा, या समाज को आना पड़े या व्यक्तिगत आने पड़े, तभी ये संभव हो सकता है। उसमें जो हरियाली दिख रही है, यहीं के लोगों ने यहाँ पर जो पॉजिटिव पौधे हैं, इसके अलावा फूल पेड़ हैं, वो यहाँ पर लगाए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। पार्षद के कामकाज को लेकर उनका क्या कहना है, आप किस तरीके से देखते हैं? आप कभी लंबे समय से उनको देखते आ रहे हैं, कैसा कामकाज रहा है इन पूरे 5 साल में? कामकाज तो ऐसे सामान्य रहा है, कोई मतलब उच्च स्तरीय का कोई कार्य नहीं हुआ। जैसे हमने इस गार्डन के प्रतीक स्वरूप शिवाजी के यहाँ पर एक छोटा सा स्टैचू के लिए भी बोले थे, तो उसका भी ध्यान नहीं दिया गया है। और मूलभूत समस्या जो है सफाई की है, सफाई नियमित नहीं होती है। नाली जो है हफ्ते में महीने में एक दिन होता है सफाई, वो सबसे बड़ी समस्या वही है सफाई की। कचरे वाली गाड़ी आती है क्या रोज़ाना? हाँ, गाड़ी तो रोज़ाना आती है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग सोए रहते हैं, गाड़ी निकल जाती है सुबह से, या कभी एकदम दोपहर में, कभी दोपहर में आएगी जो सब खा पी के आराम करने लगते हैं तब। साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है वीर सेवाजी वार्ड का, और इसके अलावा जो मूलभूत सुविधा समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास यहाँ पर नहीं किया गया। इसके अलावा यहाँ के लोगों के यही कहना है कि जो वर्तमान पार्षद हैं वो वार्ड में भ्रमण करने या लोगों की समस्याएं जानने नहीं आती हैं, और जो इसके अलावा एक सामुदायिक भवन की भी यहाँ पर मांग की गई थी उसको उन्होंने नहीं पूरा किया। और जिस वार्ड गार्डन में हम खड़े हैं वहाँ पर भी एक स्टैचू वीर सेवाजी की वार्ड के लोगों ने मांग की थी, उसको भी दरकिनार करने की कोशिश यहाँ पर किया गया। तो कामकाज से असंतुष्ट यहाँ की जनता नजर आई है, और जो मूलभूत समस्याएं हैं वो अभी जस की तस बनी हुई है। कैमरामैन रेखराम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।